अपराधी कितना सातिर क्यों न हो, नहीं रह सकता पुलिस की गिरफ्त से ज्यादा देर दूर। पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा ली है। यहाँ पड़ोसी ही बना पड़ोसी के जान का दुश्मन। नगर में हुई वृद्ध महिला के अंधे कत्ल का खुलासा, पड़ोसी ही निकला हत्यारा। महज 8,000 की खातिर कर दी हत्या। 15 से 16 अक्टूबर के दरमियानी रात कोरबा के एमपी नगर स्थित ईडब्ल्यूएस क्वार्टर में रहने वाली वृद्ध महिला सुमित्रा बाई महंत की अज्ञात आरोपियों द्वारा हत्या की गई। हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया। मामले का खुलासा करते एएसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि पुलिस की तहकीकात में महिला का पड़ोसी बालन मद्रासी, जो घटना की रात से फरार हो गया था, जिससे महज 8,000 की उधारी रकम वृद्ध महिला द्वारा वापसी मांगने पर हत्या को अंजाम दिया। आरोपी को धारा 302 307 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 63 वर्षीय है, उनके एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसकी सूचना मिलने पर तत्काल अपना पुलिस टीम रामपुर चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी कोतवाली, सीएसपी कोरबा, डॉग स्क्वाड है, उसका मदद लिया गया। प्रकरण चूंकि शुरू में पूर्णतः ब्लाइंड था, इसलिए लगातार टीम आदरणीय एसपी सर के मार्गदर्शन में विशेष टीम बना करके सीएसपी कोरबा द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान पता चला कि उस मृतिका है, उसके घर से जस्ट लगा हुआ बगल घर में एक मद्रासी रहता है, बालन मद्रासी, उसका मृतिका के साथ बातचीत था। और पूर्व में चूंकि मृतिका को पेंशन मिलता था, तो आपस में इनका पैसे का भी लेन देन था। इस दौरान वो कुछ पैसा 8,000 रुपये उधार लिया था, जिसको मृतिका द्वारा बार बार मांगे जा रहा था, उसके बाद ये वापस नहीं कर रहा था। इस पर इनका आपसी मनमुटाव था, विवाद था। इसी दौरान और कई बातों से पता चला था कि इनके बीच में कई चीज़ों को लेकर पहले भी लड़ाई हो रहा था। तो घटना दिनांक को चूंकि मृतिका घर में अकेले रहती थी, तो अकेलेपन का यह लाभ उठाते हुए उसके घर गया था पीछे एक दरवाजा से, और पैसे को लेकर के लेन देन को लेकर के इनका वाद विवाद हुआ। तो इसके द्वारा घर में रखा हुआ जो कुकर है और पत्थर का जो लोढ़ा है, उससे उसके सिर में प्राणघातक हमला किया गया, जिससे मृतिका तत्काल घटना स्थल पर ही उसको मौत हो गई। मौत होने के बाद फिर ये जो है वो संदिग्ध होकर के वहीं से फरार हो गया था। इसके संबंध में पता साझी करने पर ये जो पता चला कि इसको सुबह 7 बजे दर्री से पार्टी को लेकर बाहर जाना था, और सुबह 7 बजे न जाकर के रात को 3 बजे चला गया था। इस प्रकार प्रथम दृष्टया ये संदिग्ध हुआ मिला। इस बात लगातार इस संबंध में इसके पता साझी की गई, तो पता चला इसे फिर बुला करके पूछताछ करने पर इसने पैसे के लेन देन पर, इसके अलावा जो मृतिका है उसके द्वारा कई बार इसको कुछ अलग अलग चीज़ों को लेकर टोकना या गाली गलौज किया जाता था, जिससे आक्रोशित होकर ये रह रहा था। इसी बात को लेकर इसके द्वारा उसका हत्या करना कबूल किया है। मृतिका के शरीर पर जो हार था वो आरोपी के कब्जे से बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता मिला है। आरोपी को प्रकरण में 302 धारा के तहत गिरफ्तार करके विधिवत अभी माननीय न्यायालय में समक्ष रिमांड में पेश किया जा रहा है।